ये बजाज की पल्सर बाइक है और 220 सीसी है, 220 सीसी की ये बाइक है। इस बाइक का फ्रंट जो डिस्क पैड होता है वो ख़राब हो चुकी है और उसे मैं चेंज करना है। फ्रंट का जो डिस्क पैड होता है वो अगर ख़राब हो जाए तो कैसे पता करें ख़राब है या नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको दिखा दें कि ये जो है ये डिस्क का पूरा कंप्लीट सेट है यहाँ पर, और अंदर में डिस्क पैड लगता है जो मैं आपको दिखा दूँ कुछ इस तरीके से इसके अंदर होता है। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ये एक लेदर है, और ये जो देख रहे हैं ये लोहे का पार्ट है। इसमें क्या हुआ, अभी ऊपर का जो लेदर देख रहे हैं ये सभी लेदर घिस चुका है और ये लोहे का पार्ट इसमें अभी सेट के चल रहा है। और इसमें क्या होता है कि जब गाड़ी को चलाते हैं चक्का घूमता है तो आवाज़ भी करता है और इससे नुकसान भी है। अगर ये लेदर घिस जाएगी और अगर लोहे के ज़रिए से हम गाड़ी का डिस्क इस्तेमाल करेंगे तो ये लोहे में लोहा टकराएगा और ये जो व्हील देख रहे हैं ये प्लेट ये ख़राब हो जाएगी। तो इसमें जो खोल कर दिखाता हूँ और मुझे भी देखना है कि ख़राब है या नहीं। जहाँ तक मैंने बाहर से ही देखा है यहाँ यहीं से पता चल जाता है, यहाँ से साइड से अगर देखते हैं तो पता चल जाता है ये ख़राब है या नहीं है। अग्नि काम लगा करेंगा कपड़ा ला क्योंकि जो हालांकि थोड़ी अभी इसमें लेदर बचा हुआ है लेकिन ये लास्ट पोजीशन पे है, बहुत ही ज़्यादा घिसा हुआ है, इतना ज़्यादा नहीं घिसना चाहिए। हेलो ओमू बोलो ले ले भाग बनवा भाग तो दोनों ब्रेक पैड ख़त्म है, हालांकि अभी थोड़े बहुत बचा हुआ है। ये भी बिल्कुल जेन्युइन है, बजाज का ओरिजिनल है, आप देख सकते हैं यहाँ पार्ट नंबर लिखा हुआ है, तो इसे मैं लगाता हूँ। और इसका आप पैकिंग भी देख सकते हैं। ठीक है, अभी इसे लगाने से पहले हम क्या करेंगे, ये जो दोनों पिस्टन देख रहे हैं दोनों पिस्टन को हम अंदर करेंगे, और इससे पहले हमें इसे खोल लेना है। इसे खोलकर हम यहाँ पे ग्रीस वगैरह डालेंगे जो ये फ्री हो जाए, और इसको पेट्रोल से वॉश करते हैं।
यार बिल्कुल क्या कर रहे ना। कितना दिन चलते हो? चल लो कम से कम तू घर से तीन चार तीन 18 में कल गाड़ी ने 18 की तो इस तरीके से मैंने लगा दिया इसको। कल चुके ओरिजिनल मिली आई जो तब ये काम करने लगा है और इसमें हमें ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है कि हम डिस्क ब्रेक ऑयल डालेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो पिस्टन बाहर निकला हुआ था तो इसका जो ऑयल है वो ज़्यादातर वहाँ पहुँच जाती है। जब मैंने उधर से पिस्टन को धक्का दिया ऊपर की ओर, वो जो सारा ऑयल होता है डिस्क ब्रेक वाला वो ऊपर की ओर आ जाती है।